मैं आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दिस कैरेक्टर, वेरी सेटिस्फाइड, द एक्टर सोल गेट सेटिस्फाइड ना, यू लाइक अभी तक मेरे को फिजिकैलिटी ढूंढने में बहुत मजा आता है, पर कई बार वैल्यूज जो है ना वो मेरे को थोड़ा सा परेशान करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स में ये डिफिकल्टी होती है जो मुझे हड्डी में भी हुई, पर इतने बड़े होने के बाद भी पेरेंट्स का डर लगता है। हाँ बिल्कुल डर लगता है। मैंने इससे पहले भी जो कैरेक्टर किए थे उसमें एक दो बार मैं मम्मी को दिखाना नहीं चाह रहा था, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि क्यों नहीं दिखाना चाह रहा। मैंने बोला मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि ये आप देख के क्या कैसे बोलोगी, सिटिंग लाइक अ फेमिनिन एंड टॉकिंग लाइक दिस एंड ऑल दोस, तो कि आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर, आई शुड नॉट मेक इट अ मॉकरी। फीमेल इज मोर हम्बल, मोर रिस्पेक्टफुल एंड मोर she can multitask, she can do lot which men is a very unidirectional, women is more inner, uski journey inner bhi hoti hai aur external bhi hoti hai, to aise karte baitha hu aise sun raha hu aapko, to aise hi thoda body language bhi waisi hai, to ye wo main bol sakta ye aadmi abhi bhi character mein bhai the ek din main office mein gaya to board pe anurag sir ka naam tha, main kaha ye kya kar rahe hain, to keh rahe hain akshit kehta hai ye bhi acting kar rahe hain, main बातचीत हो रही है, मैंने बोला ओ मजा आएगा। हेलो हाय वेलकम टू एबीपी लाइव, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और मेरे साथ इस वक्त है सौरभ सचदेवा अका इंदर। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द चैनल। तो सर हड्डी, ये जो हड्डी है, हाँ, आप कितना डिफरेंट फील कर रहे हैं खुद को? काफी डिफरेंट, मतलब मेरा बिहेवियर डिफरेंट है। देखो दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें दाढ़ी नहीं है, मूछें नहीं है, बाल छोटे हैं, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, इनर लाइफ डिफरेंट है, तो काफी डिफरेंट। मेरे को तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला कि ऐसा कैरेक्टर लिखा गया और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू डू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। या Exactly, मतलब ये आपके बाकी जितने आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो डिफरेंट रहा होगा, आई थिंक बाकी कैरेक्टर्स से कुछ अलग करने को मिला होगा, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो जब अक्षत ने मेरे को बहुत पहले एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया बताया था इसके लिए, तो मैं तब से ही हाँ बोल दिया था। मैंने बोला आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज फॉर एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और स्किल्स को दिखाना और लोगों को कहना कि भाई ये इंसान ये भी कर सकता है। So मेरे लिए बहुत बहुत ही फन था, मतलब मैं आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दिस कैरेक्टर, वेरी सेटिस्फाइड, द एक्टर सोल गेट सेटिस्फाइड ना, यू लाइक। अच्छा सर, क्राफ्ट वाइज हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू अडॉप्ट दैट फेमिनिन कैरेक्टर, और जो आप नहीं हो और आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर लाइक दिस और दैट, है ना, उस चीज को दिमाग में बिठा के और वैसा बिहेव करना कितना डिफिकल्ट होता है फॉर एन एक्टर? क्वाइट डिफिकल्ट लॉट ऑफ टाइम बिकॉज समटाइम द कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉट मैचिंग योर वैल्यूज, दैट इज द मेजर डिफिकल्टी आई हैव पर्सनली। अभी तक मेरे को फिजिकैलिटी ढूंढने में बहुत मजा आता है, पर कई बार वैल्यूज जो है ना वो मेरे को थोड़ा सा परेशान करते हैं कि उसके वैल्यू मेरे से बिल्कुल अलग है लाइफ के लिए। वो जिस तरीके से लाइफ को देखता है या जितना ब्रूटल है या जितना वायलेंट है वैसा मैं नहीं, मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ, बहुत ही क्या टीम के साथ काम करने वाला इंसान हूँ। तो उस वैल्यू को चेंज करना या फिर उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करना जो कैरेक्टर के वैल्यू है, इफ आई विल नॉट रिस्पेक्ट दैट दोज वैल्यूज तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहां तक। तो मेरे को लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और वो राइटिंग में नहीं होता है, तो मेरे को उसके लिए कुछ बैक स्टोरी या बचपन में जाना होता है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, और उसको जस्टिफाई करना पड़ता है टिल इट बिकम्स माइंड, टिल आई स्टैंड फॉर द कैरेक्टर कि भाई ये खराब नहीं है, ये अच्छा कैरेक्टर। तो आप कहेंगे कि ये तो इतने खराब काम करता है, कहता है मेरी जिंदगी देख लो। सो टिल आई रीच देयर मेरा आई कैन एडवोकेट माई कैरेक्टर, तब तक आई कीप वर्किंग एंड फील। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स में ये डिफिकल्टी होती है जो मुझे हड्डी में भी हुई, पहले भी एक दो कैरेक्टर्स में हुई ऐसे मुश्किल, जो मेरे लिए कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे वैल्यूज नहीं है, ये मेरे और कैसे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, और मैं
स्पेशली मेरे पेरेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे बट इतनी बड़े होने के बाद भी पेरेंट्स का डर लगता हाँ बिल्कुल डर लगता है माय है? हम पेरेंट्स, लोग को सही लग रहा है। स्पेशली माय मदर। जब मैंने मैंने इससे पहले भी जो कैरेक्टर किए थे उसमें एक दो बार मैं मम्मी को दिखाना नहीं चाह रहा था, तो मेरी मम्मी भी कह रही थी कि क्यों तो नहीं दिखाना चाह रहा। मैंने बोला मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि ये आप देख के क्या कैसे बोलोगी। तो कह रही है अगर तूने अच्छा किया होगा और लोगों को पसंद आ रहा है, और अगर वो स्केरी कैरेक्टर है एंड अगर मुझे डर लगेगा तो तूने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। एंड दैट रियली मूव्ड मी कि व्हाट वी थिंक ऑफ आवर पेरेंट्स एंड व्हाट दे थिंक, अरे अभी दे आर वेरी बोल्ड एंड मेच्योर, और वो लोग सबसे ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं। तो माय मदर वाज सपोर्टिव ऑफ दैट एंड आई वाज लाइक ओके गो अहेड वॉच व्हाट एवर यू वांट टू वॉच। सो आई एम अच्छा, हड्डी के लिए होमवर्क कितना किया है आपने? क्या क्या होमवर्क किया है, क्या क्या कुछ किया है अपने कैरेक्टर को समझने के लिए? लाइक अच्छे हो, कुछ देखा हो, ऐसा कुछ? राइट। सो मैं अक्षत के साथ तो दो चार बार मैंने मीटिंग करी टू अंडरस्टैंड कि उसकी एग्जैक्टली कितना उसको कितना इलेबोरेट करना है कैरेक्टर को, फिजिकली कितना ज्यादा दिखाना है। तो उस मीटिंग से मुझे समझ आया कि अक्षत चाह रहा था कि कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर की तरफ नहीं लेके जाना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना है, बट देर कैन बी सटल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो मैंने पहले बहुत ही एग्जैजरेटेड दिखाया उसको, उसने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। बोला कि थोड़ा सा करके कैसे या कैसे आई वाज करके लाइक सिटिंग सिटिंग लाइक अ फेमिनिन एंड टॉकिंग लाइक दिस एंड ऑल दोस। तो ही सेज नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला कि यस, तो कह रहे कि नहीं मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को राइट स्पेस पे लेकर आकर तुम्हारे को दोबारा दिखाऊंगा। तो ही वाज हैप्पी। मैंने कहा व्हाट एवर यू वांट आई विल गिव यू दैट, ओनली आई विल रिस्पेक्ट योर राइटिंग एंड योर डायरेक्शन। तो ही सेड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो पहला मेरा जो मेन एम था कि आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर, आई शुड नॉट मेक इट अ मॉकरी, आई शुड नॉट मेक इट। सो उसके लिए मुझे उनके उनके लाइफस्टाइल में जाना जरूरी है। और बहुत पहले इन 2004 में ऑलमोस्ट 5 में मैंने एक 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 प्ले किया था जिसमें मैंने 5 औरतों का किरदार निभाया था जो मैंने खुद डिजाइन किया था। उसमें मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी माँ थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और मेरी बुआ थी। सो मैं उनसे लेकर वो कैरेक्टर मैं बनाया था और बहुत ही पसंद आया था बैरी सर को भी। उनको लगा था कि दिस इज वेरी पावरफुल टू डू व्हाट यू हैव डू फाइंडिंग योर ओन फेमिनिन साइड। सो एज एन एक्टर आई स्टार्टेड आई रिस्पेक्ट माय फेमिनिन साइड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, दो आई डोंट लुक लाइक दैट बट आई फुल्ली रिस्पेक्ट दैट। एंड देन व्हाइल डूइंग दैट मेरे को वो सारी चीजें याद आई और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखनी शुरू करी। और माय रिस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी एंड माय रिस्पेक्ट फॉर माय फेमिनिन साइड हैज गॉन अप। व्हाई? बिकॉज आई फील फीमेल इज मोर हम्बल, मोर रिस्पेक्टफुल एंड मोर she can multitask, she can do lot which men is a very unidirectional, women is more inner, उसकी जर्नी इनर भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो वो मुझे बहुत सही लगता है। और तो मेरे लिए डिफिकल्टी से ज्यादा आई हैव टू रिस्पेक्ट द कैरेक्टर लॉट, तो वो बहुत जरूरी था। शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा आप लोग सेट पे क्या मस्ती करते थे? या नवाज सर ने मान लो कि इतना सा पहना वहना है और आपका कोई उसमें सीन है, क्या वो क्या कुछ होता था? कुछ फन मोमेंट्स, कुछ कभी एंगर हुआ, अग्रेशन हुआ, कुछ कुछ? नवाज सर कई बार मेरे से मस्ती करते थे क्योंकि मैं सारा टाइम कैरेक्टर में रहता था, तो वो कई बार मेरे से ना मस्ती करने लगते थे। आप अभी भी कैरेक्टर में? मैंने कहा तो मैं बहुत ही हल्का हल्का जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे करके बैठा हूँ, ऐसे सुन रहा हूँ आपको, तो ऐसे ही थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है। तो वो मैं बोलते थे ये आदमी अभी भी कैरेक्टर में भाई, ये छोड़ता नहीं है तो कई बार इस बात की मस्ती मजाक होती थी बाकी एक्टर्स के साथ, बट अदरवाइज एवरी एक्टर वाज सो ब्रिलियंट, दिस कास्टिंग वाज सो गुड, स्क्रिप्ट एंड द कास्टिंग वाज सो गुड कि वी पुल्ड ऑफ दिस फिल्म।
नहीं तो मुझे लग रहा था कि भाई ये रुकनी नहीं चाहिए, फिल्म बन जानी चाहिए, मजा आएगा इस फिल्म को करने में। और जब कास्टिंग मैंने सुनी थी नवाज सर की, कि अरे इसमें नवाज लीड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो पहले से ही हो चुका था कास्ट है, तो फिर मैंने देखा ये सब लोग कर रहे हैं लीड। फिर मुझे एक दिन मैं ऑफिस में गया तो बोर्ड पे अनुराग सर का नाम लिखा था, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अक्षत कहता है ये भी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं बातचीत हो रही है, मैंने बोला ओ मजा आएगा। हाँ ओल्ड टीम, सेक्रेट गेम टीम मिलेगी, मजा आएगा। सो बट एवरीवन वाज सो गुड इन दिस, यू शुड सी, अगर आपने देखा नहीं एक्टिंग, तो मतलब मेरे को लगता है कि सबने इतना बढ़िया काम किया है। सी आजकल ट्रांसजेंडर्स का टॉपिक एक्चुअली आजकल नहीं, बहुत पहले से उठाया जा रहा है। ये मुझे भी बाद में पता चला जब मैंने स्टोरी की इस पे। सो हड्डी एंड ताली वाज इन द पाइपलाइन, तो हम लोगों को कुछ रिसर्च करना था तो किया। बहुत वक्त से ये सब ट्रांसजेंडर्स के टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, बट अभी अभी कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। डू यू अग्री कि ओटीटी ऐसे कंटेंट पिक कर रहा है, ऐसे कंटेंट्स पे काम कर रहा है, और ऐसे कंटेंट्स लोगों को देखने पसंद आ रहे हैं? ऑल्सो कितना इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कंटेंट्स को उठाना, बनाना, दिखाना? बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, हर चीज को दिखाना। सिनेमा का मतलब ये है कि सिनेमा का मतलब एंटरटेनमेंट फर्स्ट है, पर एजुकेशन भी है, राइट? अगर एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट मिले तो बहुत मजा आता है। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, मेरे मेरी मेरी व्यू में, मेरी व्यू में इंफोटेनमेंट, दोनों। यू कैन से हाँ इंफोटेनमेंट, या सो आई कैन से व्हाट इन्फो इन, इंफोटेनमेंट, हाँ इन्फो एंटरटेन इंफोटेनमेंट, इन्फो, एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन को मिला के इन्फोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, गॉट इट, इन्फोटेनमेंट, दैट्स अ गुड वर्ड, थैंक यू, इंफोटेनमेंट। सो मुझे मुझे लगता है कि सिनेमा का पर्पस है फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि सिनेमा सिर्फ आज से नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, हमारी दादियों ने हमारे को स्टोरी सुनाई है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई है, हमारी मम्मी मम्मी पापा ने स्टोरी सुनाई है, वो किस लिए होती थी कि एजुकेट, मॉरल थीम होता था उसके, मॉरल वैल्यूज होते थे, तो उसमें हमारे को सीख मिलती थी, राइट? फिर आज से नहीं, ट्राइबल लोग बॉन फायर के सामने बैठ के कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को, और तो ये आज का नहीं है। फिर उसके बाद थिएटर हुआ, फिर सिनेमा हुआ, तो एंटरटेनमेंट के साथ ऑब्वियसली एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। तो मैं भूल गया कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ऐसा कंटेंट आना और दिखाना हाँ कितना हाँ हाँ जरूरी है। सो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम रिस्पेक्ट करें हर तरीके के कंटेंट को, समझें। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं अच्छा नहीं बना, और या ऐसे नहीं हो सकता, आपकी वॉइस को चैलेंज नहीं किया, पर आपकी वॉइस को उठाया जाए, बुलंद किया जाए, वो जरूरी है कि ऑडियंस कहे आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस, आई क्रिएट अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस, आई एम हैप्पी विद दैट। बट उनको दिखाया ही ना जाए, उनको लाया ही ना जाए, दैट्स वेरी मिजरी, एंड सच अ बिग कंट्री वी लिव, सच अ ब्यूटिफुल कल्चर वी हैव, सो मेनी डिफरेंट कल्चर, सो मेनी म्यूजिक, फोक, फेरी टेल्स, पोएट्री, वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज सो ब्यूटिफुल, बट नॉट एक्सप्रेस्ड वेल इन सिनेमा, आई थिंक नाउ वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ ओटीटी एंड ऑल दिस। लुक एट कंटारा, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म, फ्रॉम द कल्चर इट कम्स एंड मूव्स एवरीवन। कूल। अच्छा, वन लास्ट थिंग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार ही अपने अंदाज में वो बोल दो ना, किसको उठा के ले आए हो ये इंटरव्यू लेने के लिए? मैं तो वो आवाज ही भूल गया हूँ, मैं डबिंग में कर रहा था, तो अक्षय बोलता है अरे ये थोड़ा ना है आपकी आवाज, आपकी आवाज तो थोड़ी ऊपर थी ना, है अभी किसको ले आया हो, थोड़ी मेरी बेस है ना बहुत, तो मैं थोड़ी हायर रखी थी, थोड़ी सी हायर, तो क्या कहते हैं, चुन चुन, चुन चुन, पता नहीं मेरे को डायलॉग भी आती है। किसको उठा लाए हो अच्छा ये इंटरव्यू लेने के लिए, ऐसा बोल दो, फिर मैं मैसेज छापूंगी। किसको उठा लाए हो इंटरव्यू के लिए, किसको उठा लाए हो, हैं चुनना कहा है वहां पे, पुलिस के साथ कुछ करा था वहां पे, देखकर आ जाता, ले आए हैं इसे भी, अब इसे भी संभाले। सो ऐसा कुछ डायलॉग था, मुझे याद नहीं है सही एग्जैक्टली। था।
वेरी वेरी नाइस. तो यार, मैं आपसे बात थैंक करके सीरियसली वेरी सीरियस नोट इज लवली यार, टॉकिंग टू यू. थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यू फॉर गिविंग योर टाइम सर. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर हडी एंड फॉर फ्यूचर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच. हाँ.